भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह की फिल्म पवन पुत्र का पहला पोस्टर सोशल मीडिया पर जारी कर दिया गया। जी हां, आपको बता दें कि पवन पुत्र का हाल ही में फिल्म का सेकंड शेड्यूल की शूटिंग पूरा कर लिया गया और साथ ही साथ फिल्म का पहला पोस्टर भी सोशल मीडिया पर जारी कर दिया गया। आपको बता दें कि पहला पोस्टर सोशल मीडिया पर जारी होते ही यह पूरी तरह से सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और हर कोई पवन पुत्र के पोस्टर को काफी ज्यादा पसंद कर रहा है। पोस्टर पे देखे तो पवन पुत्र यानी कि पवन सिंह ई रिक्शा में बैठे हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ ई रिक्शा के राइट में प्रियंका पंडित ई रिक्शा पर लटकती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरे साइड में प्रियंका रेवाड़ी ई रिक्शा पर लटकती हुई नजर आ रही है। यानी कि पवन पुत्र अपने ई रिक्शा पर प्रियंका पंडित और प्रियंका रेवाड़ी का जोरदार पोज देते हुए नजर आ रहे हैं, जो दर्शकों को पोस्टर काफी ज्यादा पसंद आ रहा है और पोस्टर पवन सिंह के फैंस इस पोस्टर को भारी मात्रा में सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि पवन पुत्र पहली बार प्रियंका पंडित और प्रियंका रेवाड़ी के साथ इस फिल्म में जोरदार रोमांस करते हुए नजर आने वाले हैं। अब देखना यही होगा कि पवन पुत्र का जितना पोस्टर अट्रैक्टिव है क्या उसी तरीके से फिल्म होगा, यह तो फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद ही पता चल पाएगी। लेकिन आपको बता दें कि फिल्म के पोस्टर के साथ साथ फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दिया गया है। जी हां, फिल्म को होली पर रिलीज करने की तैयारी चल रही है। जी हां, होली 2020 में पवन पुत्र का अनाउंसमेंट किया गया है। वैसे आपको बता दें कि फिल्म को प्रोड्यूस किया है रत्नाकर कुमार ने, जबकि निर्देशक की बागडोर संभाली है फिरोज खान ने। अब देखना यह होगा कि पवन पुत्र का ऑफिशियली ट्रेलर कब रिलीज किया जाता है।